क्या आप भी बियर पीते हो या फिर कभी न कभी बियर के बोतलों को तो आपने देखा ही होगा और जरूर इस चीज को गौर किया होगा कि आखिर बियर की सभी बोतलें या तो भूरी होती हैं या फिर हरे रंग की होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बोतलें इन्हीं रंगों की क्यों होती हैं? क्यों बियर ट्रांसपेरेंट बोतल में नहीं आती? इसके पीछे एक रहस्य है। कहा जाता है कि कई सालों पहले सबसे पहली बियर बनाने वाली कंपनी प्राचीन मिस्र में थी। यहाँ बियर को पारदर्शी बोतलों में सर्व किया जाता था। इसी दौरान बियर निर्माताओं ने पाया कि बियर में पड़ा एसिड सूर्य की रोशनी और उसकी अल्ट्रावायलेट रेज से रिएक्ट कर रहा है। इस रिएक्शन के कारण बियर में बदबू आने लगी, जिसके कारण लोग इससे दूर रहने लगे। इस समस्या का हल निकालने के लिए कई तरह तरह के उपाय ढूंढे गए। इसी क्रम में बियर निर्माताओं ने बियर के लिए ऐसी बोतलें चुनी जिन पर भूरे रंग की परत चढ़ी हो। इसी के बाद से भूरे रंग की बोतलें इस्तेमाल में लाई गई। ये तरकीब काम कर गई थी। इस रंग की बोतलों में बियर खराब नहीं होती थी, यानी सूरज की किरणों का असर इन बोतलों पर नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्माताओं के सामने एक और समस्या खड़ी हो गई। इस दौरान भूरे रंग की बोतलों का अकाल पड़ गया। इस रंग की बोतलें नहीं मिल रही थी। ऐसे में बियर निर्माताओं को एक और ऐसा रंग चुनना था जिस पर सूरज की किरणों का कोई असर ना पड़े। तब हरे बोतल को चुना गया। इसके बाद से बियर हरे रंग की बोतलों में भरकर बेची जाने लगी और आज तक भी बियर की बोतलें इन्हीं रंगों की होती हैं। तो इन्हीं कारणों से बियर की बोतलें इन दो रंगों की ही होती हैं। क्या ये जानकारी आपको पहले से पता थी? हमें कमेंट में बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।